हेलो गाइस, वेलकम टू द वीज़र ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द वीज़र ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका क्या इफेक्ट होने वाला है टेक्निकल एजुकेशन पे। यानी जो जो बच्चे टेक्निकल हैं, टेक्निकल का मतलब जो बच्चे आईटीआई के कर रहे हैं या आईटीआई करने वाले हैं, जो बच्चे डिप्लोमा है या जो बच्चे बीटेक एमटेक हैं, उनके ऊपर इस पूरी पॉलिसी का क्या जो है ना इफेक्ट आने वाला है, इसके ऊपर आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको पूरा बताऊंगा टेक्निकल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबरों ने किया है कि सब कुछ नॉर्मल बताया लेकिन टेक्निकल वाले बच्चों के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई मैं अपने टेक्निकल बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दूँ और टेक्निकल मैं बताना चाहूँगा कि आईटीआई में क्या चेंजिंग होने वाला है, पॉलिटेक्निक में क्या चेंजिंग होने वाला है, इनफैक्ट वीटेक वगैरह में क्या चेंजिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे, आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल एजुकेशन पे इसका क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी द टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन पे क्या क्या इफेक्ट होगा लिखा हुआ कि टेक्निकल एजुकेशन इज अ मस्ट इनटू द जर्नल हायर एजुकेशन। यानी क्या किया गया है, जो हमारा टेक्निकल था, यहाँ पे तकनीकी शिक्षा को सामान्य उच्च शिक्षा में विलय कर दिया जाएगा। यानी क्या कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा टेक्निकल हुआ करता था उसे अब मर्ज करके किस में बता देगा, जर्नल हायर एजुकेशन में कन्वर्ट कर देगा। यानी जैसे हम लोग नॉर्मल जो किसी है, जैसे कि सपोज डेट कि हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, वैसे ही इसको क्या करेगा, अब मर्ज कर देगा। यानी टेक्निकल को भी मर्ज करके आपका जर्नल हायर एजुकेशन में बता देगा। उसके बाद एटॉमिक विल इंक्रीज, यानी सभी उच्च शिक्षा HEC के लिए एकल नियम होगा, राष्ट्रीय अनुशासन फाउंडेशन मौजूद रहेंगे, बहुविकल्प तकनीकी शिक्षा मिलती रहेगी, प्रवेश निकास चलता रहेगा। यानी सिंगल रेगुलेशन फॉर द हायर एजुकेशन HECI नॉर्मल विल बी आइडेंटिकल अक्रॉस द कंट्री। यानी पूरे कंट्री, मैं अपने पूरे देश की नहीं, पूरे इंडिया की नहीं, पूरे कंट्री की बात करता हूं कि पूरे कंट्री में जो हमारा सिंगल रेगुलेशन फॉर द हायर एजुकेशन, यानी एक ही पूरा नियम लगेगा जिसे हम लोग कहेंगे HECI, इसी के अकॉर्डिंग पूरा जो हमारा सिस्टम होगा पूरा इसी पे डिपेंड रहेगा। लिखा हुआ है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल एग्जिट, यानी नेशनल जो फाउंडेशन रिसर्च है वो उसको एग्जिट किया जाएगा। मल्टी टेक्निकल एजुकेशन आप लोगों को बनाया जाएगा, मल्टी एंट्री एग्जिट ऑप्शन जो होगा वो आप लोगों के पास आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आप लोगों का टेक्निकल है उस टेक्निकल के साथ साथ आप लोग अगर चाहोगे कि मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहूँगा तो आप लोग हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको मन है कि मैं टेक्निकल के साथ साथ जाके सिविक्स पढ़ूँ तो आप सिविक्स भी ले सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल के साथ साथ मन कर रहा है कि हिंदी सब्जेक्ट ले लूँ तो आप वो हिंदी सब्जेक्ट लेके भी पढ़ सकते हैं अब टेक्निकल के साथ साथ। पहले क्या होता था कि हम लोग टेक्निकल में जब जाते थे तो हमें पूरी टेक्निकल नॉलेज दी जाती थी। सपोज डेट कि मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ तो मुझे पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, पूरा मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन पहले हमारा सब सपोज डेट कि हमारा जब नॉर्मल कोई ग्रेजुएशन हुआ करता था, अगर हम लोग उसमें ऑनर्स करने जाते थे, सपोज डेट कि मैं फिजिक्स ऑनर्स करने जा रहा हूँ, तो फिजिक्स ऑनर्स में भी दोस्तों हमें फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा जो है ना रूल ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये सारे जो रूल रेगुलेशन है उसको कैंसिल किया जा रहा है। यानी अगर आप जिस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में प्रॉपर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आगे चलते हैं कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू टॉल ऑल स्ट्रीम अक्रॉस द कंट्री, यानी एक ही आपका एग्जाम होगा पूरे देश भर में सभी धाराओं के लिए, आम प्रवेश परीक्षा, यानी एक ही आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम को आप लोग दीजिए। उस एग्जाम में अगर आप क्लियर करते हैं उस एग्जाम को तो आपको जो है ना एंट्री मिलेगा किसी कॉलेज में। अब पूरे वर्ल्ड के लिए यानी पूरे देश के लिए हमारा एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। पहले हम लोगों का एग्ज़ाम कभी ये कराता था, कभी वो कराता, कभी इस राज्य का हो रहा है, कभी उस राज्य का हो रहा है, लेकिन अब पूरे राज्य को मिला के पूरा देश का निर्माण किया गया है और पूरे देश में एक ही एग्ज़ाम पैटर्न होगा। जो उस एग्ज़ाम में क्लियर करेगा उसका एडमिशन जो होगा नेक्स्ट लेवल पर होगा। यानी देश भर में सभी धाराएँ आम परीक्षा सेम हो जाएंगी। 360 फीडबैक टू टीचर्स, यानी शिक्षकों के लिए 360 प्रतिक्रियाओं होगी।
फोर्स ऑन ऑनलाइन लर्निंग, आपको पूरा ऑनलाइन पे ही ध्यान दिया जाएगा, यानी ऑनलाइन शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, पूरा ऑनलाइन सिस्टम पे आप लोगों का काम किया जाएगा। और उसके बाद ऑल अराउंड डेवलपमेंट ड्यू टू द नेचुरल टेक्निकल एजुकेशन, यानी व्यापक मूल बहु जो भी हमारे पास है प्राकृतिक तकनीकी शिक्षा के कारण विकास के चारों ओर आप लोगों को विकास का यानी तकनीकी के थ्रू आप लोगों को जो है ना प्लेसमेंट दिया जाएगा, टेक्निकल के थ्रू आप लोगों को आगे किसी भी कंपनी में मौका दिया जाएगा। तो ये ऐसा सिस्टम इसीलिए हो गया क्योंकि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे जो हैं अपने कुछ एबिलिटी रखते हैं, अपना क्षमता रखते हैं पढ़ने का, तो आपको उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर करके आपको फिर से अपना जो है तैयारी वो करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बताता हूँ इन परिवर्तनों के संभावित परिणाम जो हैं, यानी जो इसका रिजल्ट होगा, इसका आउटकम यानी जिसे हम लोग कहेंगे रिजल्ट, किसका परिणाम क्या होगा। तो एम्प्लॉयबिलिटी द स्टूडेंट विल इंक्रीज, मोर ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉयटी विल दी अवेलेबल, यानी छात्रों की रोजगार में वृद्धि होगी, यानी सही सही कहा जाए तो जो बच्चे ITI कर रहे हैं उनके रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, जो बच्चे BTEC कर रहे हैं उनके रोजगार के भी ऑप्शन आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। छात्रों की रोजगार पर वृद्धि होगी, रोजगार के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, बहुविकल्पीय के कारण तकनीकी छात्र के सभी विकास होंगे, प्रौद्योगिक शिक्षा सामान्यकरण के कारण लोकप्रिय होंगे, 360 प्रतिक्रिया के कारण शिक्षक साथ संबंध में सुधार होगा, लचीलेपन के कारण छात्रों के जो रचनात्मक क्षमता है उसमें भी सुधार किया जाएगा। यानी 360 डिग्री का मतलब दोस्तों ये हो गया कि 360 डिग्री का कहने का मतलब ये हो गया कि आपके जो आप जो भी कुछ करेंगे उसका जो फीडबैक होगा सब टीचरों के पास अवेलेबल होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितने अच्छे फीडबैक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी एजुकेशन विल बी पॉपुलर, यानी टेक्निकल एजुकेशन पे पूरा पूरा ध्यान होगा इस बार जो ये चेंजिंग हुआ है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को पूरा ये समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल एजुकेशन में हम लोगों का क्या क्या जो है ना चेंजिंग किया गया है और क्या क्या सुधार किया गया है। तो जो बच्चे ITI कर रहे हैं, जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो बच्चे BTEC कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सीधे सीधे फायदा होने वाला है कि उनका जो प्लेसमेंट है, उनका जो रोजगार का अवसर है वो पूरा यहाँ से ओपन हो जाएगा। और आप लोग ITI पास करके भी दोस्तों बेरोजगार नहीं रहोगे, ITI पास करके ही दोस्तों आप लोगों को कहीं किसी कंपनी में आप लोगों को जॉब मिल जाएगा इस टेक्निक के अकॉर्डिंग। लेकिन ये टेक्निक जो लागू होगा ये दोस्तों 2022 से लागू होने वाला है। तो जो बच्चे अभी ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि जो बच्चे अब नया एडमिशन लेंगे ना उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है टेक्निकल एजुकेशन भी। आई थिंक आप लोगों को इतनी सारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आई होगी। अगर सही में समझ में आती है दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।